नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबर के साथ। प्रदेश की लाडली बहनें 5 माह से मानदेय नहीं मिलने से परेशान है। स्वास्थ्य विभाग में पोषण पुनर्वास केंद्रों के अधीन बीते 10 से 15 साल से काम कर रही महिला कर्मचारियों को वर्तमान में आउटसोर्सिंग कंपनियों ने 5 माह से वेतन नहीं दिया है। महिला कर्मचारियों का कहना है कि रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाया जाएगा। महिला कर्मचारियों को सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, उज्जैन, दमोह, खंडवा, बुरहानपुर, शहडोल और बैतूल जिलों में लगभग 5 माह से मानदेय नहीं दिया जा रहा है। हम एनआरएचएम संविदा सपोर्ट स्टाफ कर्मचारी, हमारी जुलाई माह से पेमेंट नहीं हुई है। आप ही बताएं हम कैसे त्योहार मनाएं। बिना पैसे का कोई त्योहार होता है क्या इस महंगाई में? हम महिला कर्मचारी हमारा वेतन से नहीं हुआ है। रक्षाबंधन का त्यौहार है, बिना पैसे के त्यौहार कैसे मनाया जा सकता है? किसी को कोई चिंता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अधीन हम आउटसोर्स कर्मचारी विगत कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, किंतु शासन प्रशासन हम आउटसोर्स कर्मचारी सपोर्ट स्टाफ के तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारा वेतन नहीं होता है, 4 से 5 महीने तक वेतन नहीं होता है। हमारा वेतन नहीं होने के कारण सभी आउटसोर्स सपोर्ट स्टाफ कर्मचारी की आर्थिक स्थिति खराब है। अभी इतना बड़ा त्यौहार है, हिंदू धर्म का त्यौहार रक्षाबंधन है, पर अभी तक हमारी 4 से 5 महीने का वेतन नहीं हुआ है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी संजय गरुक करेंगे, फोन लाइन पर जुड़ गए। मध्य प्रदेश में संजय, लाडली बहना कहीं ना कहीं परेशान है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण के दावे करती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही है संजय कि महिलाओं को 5 माह से वेतन ही नहीं मिला है। बता दूं कि जिस प्रकार से आप ये 10 जिलों की बात कर रहे हैं, सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, उज्जैन, दमोह, खंडवा, बुरहानपुर, शहडोल और बैतूल, अगर इन जिलों में देखा जाए तो काजल, जो इन महिलाओं को लेकर जो पोषण आहार का पुनर्वास केंद्र होते हैं, उन महिलाओं को वहां पर काम किया गया है। इसमें सबसे बड़ी विडंबना यह है काजल की ये लोग पहले संविदा कर्मचारी थे, लेकिन प्रोजेक्ट बदलने के बाद इन्हें आउटसोर्स कर दिया गया। आउटसोर्स करने के बाद भी काजल, अगर आप देख रहे हैं लाडली बहनों के नाम पर जिस प्रकार से सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और हम देखते हैं अधिकारी अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने लाडली बहनों के लिए बहुत काम कर दिया, और जिस प्रकार से हमने चुनाव में भी देखा तो सरकार ये कहती है कि हमने चुनाव को लेकर, चुनाव में हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है तो लाडली बहनों से। लेकिन काजल, अगर इन 10 जिलों की बात करूं तो इन 10 जिलों में आप लगभग, मेरा जो बता रहे हैं आंकड़ा बता रहे हैं, 10 से 12 हजार ऐसे कर्मचारी हैं ये पूरे जिलों में मिला इसके जाए, तो इनमें कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं जो इन बच्चों को लेकर या पोषण आहार को लेकर सरकारी स्वास्थ्य महकमे को लेकर काफी अपना वर्क देती है, अपना समय देती है, लेकिन आज 5 महीनों से, लगभग 5 महीने हो गए इन्हें जो उनका मानदेय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हम देख रहे हैं कल जिस प्रकार से देख रहे हैं 5 महीने तो वो हो गए हैं, और लेकिन कल बहनों को लेकर जिस प्रकार से सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है राखी, राखी यानी कि सबसे बड़ा बहनों के लिए त्यौहार है, लेकिन इन बहनों के त्यौहार अपने घर कैसे जाएंगी या अपने भाइयों की राखी क्या खरीदें, तो किस प्रकार से इस त्यौहार को बना है इसको लेकर जो अधिकारी है, अधिकारियों में बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े चिकित्सालयों में, चाहे सिविल सर्जन की बात करिए, असिस्टेंट सिविल सर्जन की बात कर लीजिए, जो अधिकारी हैं वो आंख बंद कर पड़े हुए हैं। इनको कम से कम जिस प्रकार से संगठन का कहना है कि संगठन ने इन्हें लगभग 200 बार एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन ये अधिकारी हैं कि आंख बंद करके पड़े हुए हैं, और इन्हें इस आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में थोड़ा भी ग्रहण नहीं आ रहा है कि 5 महीने से महिला अगर जो अपना काम घर बार छोड़कर और काम के लिए, क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति सही होती तो लगभग ये 10 से 12 हजार की रुपए के लिए काम कर रहे नहीं निकलती, लेकिन आज अगर इनकी घर की हालत के लिए, जैसे हमने कुछ महिलाओं को भी सुना, उनमें का ये साफ देना है कि उनके घर की आर्थिक हालत भी खराब हो गई है, लोगों से उधार लेना पड़ रहा है,
लेकिन ये सरकार जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं जो अपने घरों में बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, लेकिन हम लोग फील्ड में निकलते हैं काम करने के लिए, हम लोगों का वेतन नहीं दे रहे हैं, उसको लेकर अधिकारी जो है अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कल त्यौहार कैसे बनाए इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी इन्होंने गुहार लगाई है कि डॉक्टर मुख्यमंत्री जी आपकी लाडली बहनें आज परेशान है, इनका त्यौहार कैसे बने इसके लेकर अधिकारियों को सचेत किया जाए। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए स्वास्थ्य विभाग पोषण पुनर्वास केंद्रों का ये मामला आपको बता रहे हैं जहां पर करीब 10 जिलों में मानदेय नहीं मिला है, महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले 5 महीनों की बात करें तो वेतन नहीं मिला है, आउटसोर्सिंग कंपनियों ने नहीं किया है किसी प्रकार का भुगतान। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं लाडली बहना जो है वो परेशान नजर आ रही है।